ओके, सो प्रीवियसली रोटेशनल मोशन हम कंटिन्यू कर रहे थे। रोटेशनल मोशन में देख लेते हैं लास्ट सेक्शन हमने क्या डिस्कस किया हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन था जिसे हमने बात की थी प्रीवियस पॉइंट पे, साइक्लॉइड क्या होता है। ओके, सो पर्टिकुलरली हमने बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारी मोशन हमने डिस्कस की। हमने सर्कुलर मोशन, पैराबोलिक मोशन डिस्कस की। यहाँ पे एक नया टर्म आया था क्या, साइक्लॉइड मोशन। और हमें पता है कि साइक्लॉइड किस टाइप का पाथ होता है। सो इट इज अ पाथ ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, ओके, व्हेन अ फुल रोटेशन इज कंप्लीट। सो हमने डिस्कस किया हुआ था कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर ड्यूरिंग द ड्यूरिंग साइक्लॉइड मोशन। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज प्रेटी क्लियर, इट्स जस्ट 2 पाई आर इन वन फुल रोटेशन, एंड द डिस्टेंस कवर्ड ऑफ दैट पाथ इज 8 आर। वो हमने सॉल्व किया हुआ था। सो ये हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ था कि हाउ मच विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। सो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन था यहाँ पर। और इसके पहले हमने देखा था वी नेट। वी नेट यार काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। वी नेट क्या है, ये वी नेट जो आया है ये स्पीड है किसी एक पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस। सपोज ये पॉइंट यहाँ पर है, इसकी स्पीड ऐसे है और ये प्योर रोलिंग कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो एग्जैक्टली वी नेट कैसा होगा। वो ये वैल्यू है हमारी 2v sin θ/2। थीटा वी कैन कंसिडर फ्रॉम द बॉटम लाइक दिस अ फुल रोटेशनल मोशन। उसके बाद हमने डिस्कस किया हुआ था लिमिटेशन ऑफ फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग। ओके, प्योर रोलिंग में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है फ्रिक्शन की वैल्यू को लेके। तो हमने डिस्कस कर लिया हुआ था कि मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रिक्शन हमें चाहिए वहां पर। अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि यार वहाँ पर हमने एक टर्म डिफाइन किया था, यहाँ पर हमने कांस्टेंट में टर्म एक डिफाइन किया हुआ है बी। तो ये बी आपको याद रखना है, क्योंकि मैं जो भी डेरिवेशंस करा रहा हूँ, जो भी चीज़ें करा रहा हूँ, वो किसके नेम पे करा रहा हूँ, बी, 1 + i/mr2। ये एक सिंपल नंबर होगा, क्यों, क्योंकि आई इन टर्म्स ऑफ mr2 ही होगा। मतलब लेट से 2/5 mr2 है, ठीक है, mr2/4 है, कुछ भी है। सो mr2 तो कैंसिल होगा ना, मतलब बी एक प्योर नंबर है जिसे हमें थोड़ा सा याद रखना है। तो दो केसेस मैंने बताए थे फ्रैक्शन को जज करने के लिए। क्वेश्चन आपको देगा इधर फोर्स टॉप पे लग रहा है या फिर कहाँ पे लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। दो ही सिचुएशंस आपको ज्यादा पूछी जाती हैं, फोर्स टॉप पे लग रहा है या फिर सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। तो दोनों केसेस में हमें फ्रिक्शन कैसे निकालना है वो हमें याद रखना है। मैंने बताया कि हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ रहा है अगर फोर्स टॉप पे लग रहा है डायरेक्टली, सो इसको कितना एक्सेलरेशन मिलेगा। तो हमें पता है कि अगर सिंपल लग रहा होता है तो F/m आता है एक्सेलरेशन, लेकिन फोर्स टॉप पे लग रहा है तो फॉर्मूला आता है 2F/m × b। जरूर लगाना है क्योंकि साथ में ये रोटेट भी कर रहा होगा, इसके पास अल्फा भी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके एक्सेलरेशन इतना आ जाता है। फिर हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट का भी सॉल्व करके आपको दिखा दिया था। ये भी यार आपको लर्न करके रख लेना है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट का भी कितना आ रहा है। सो थोड़ा फास्ट सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। सबको i/mr2 ये किया हुआ है, सबका i/mr2 सारे ऑब्जेक्ट का करके रखा हुआ है। तो 4 फेमस ऑब्जेक्ट्स हैं, रिंग, हॉलो स्फीयर, डिस्क एंड सॉलिड स्फीयर। तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया कि यार एक्सेलरेशन कितना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो इससे पता चला कि हम क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज्यादा मिलने वाला है। तो जिसका बी कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा मिलने वाला है, सिंपल। फिर हमने फ्रिक्शन का फॉर्मूला सॉल्व कर लिया था। सो ये जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला आया है ये किसके लिए, जब फोर्स कहाँ पे लग रहा है, टॉप पे लग रहा है। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसे नहीं भी याद किया तो चलता है, नो इश्यूज। फिर हमने इस पे क्वेश्चन सॉल्विंग की थी। फिर सेकेंड केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये केस आपको लर्न होना चाहिए पूरा। कौन सा, जब फोर्स कहाँ पे लग रहा हो, सेंटर ऑफ मास पे लग रहा हो, यार तब के लिए बिल्कुल आंसर याद कर लो। तो तब हमने सॉल्व किया और एक्सेलरेशन का आंसर क्या आया, F/mv। मतलब अगर लीनियर होता, सोचो ये रोटेशनल ऑब्जेक्ट की जगह एक बॉक्स होता और फोर्स लगाते, क्या एक्सेलरेशन का आंसर आता, F/m।
अब बिकॉज ये रोटेशनल ऑब्जेक्ट है, रोटेट होने वाला है, तो एक रोटेशनल प्रॉपर्टी जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, वो जरूर डिवाइड में आ जाएगी। और बी हमें पता है, बी की वैल्यू क्या है, 1 + i/m स्क्वायर। r2। तो बी तो हमें सॉल्व करना आना चाहिए, तुरंत काम बन जाएगा हमारा। तो ये आ गया हमारा फोर्स। फिर हम फ्रिक्शन भी याद रख सकते हैं, फ्रिक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एफ फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ से हम फ्रिक्शन भी चेक कर सकते हैं कितना फ्रिक्शन लगेगा। बस याद रखना है कि ये फ्रिक्शन किससे कम होना चाहिए, म्यू एम जी से, म्यू इन टू एन से कम होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। अगर नहीं है तो प्योर रोलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि एक फोर्स लगा दिया, विच ऑब्जेक्ट विल बी इन प्योर रोलिंग। तो मुझे पता है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 40। तो अब हम तुरंत देख लेंगे कि किस में फोर्स 40 से ज्यादा हो जा रहा है। तो अगर हमने ये फॉर्मूला लगा के फ्रिक्शन का सॉल्व किया, F1 - B वाला, तो क्लियरली पता चल रहा है, कि ये 55 है, ये 36, ये 44, ये 31.4। सो ये दो 40 से कम है, इसका मतलब ये दो ऑब्जेक्ट प्योर रोल करेंगे और रिमेनिंग टू प्योर रोल नहीं करेंगे, मतलब रिंग और हॉलो स्फीयर ये दो प्योर रोलिंग नहीं करेंगे। तो ये एक पैटर्न है कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन के आइडिया को। ओके, यहाँ पे आता है रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, और ये यार काफी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो अपकमिंग टेस्ट होगा, जो अपकमिंग टेस्ट है, उस पे 7.1, 7.2 सेंटर ऑफ मास है, ये नहीं आ रहा, 7.3, 7.4, 7.5 एंड 7.7 भी एडेड है। 7.7 बताएगा कोई किस पे डिटेल्ड है 7.7 एक्सरसाइज? इंक्लाइन प्लेन, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, या एग्जैक्टली रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो इसको भी आपको सॉल्व करके रखना है, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। नेक्स्ट सैटरडे हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस शीट, सो नेक्स्ट सैटरडे हम प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे, तो बाय देन आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। देखिए चलो स्टार्ट करते हैं रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। बहुत ही ईजी है यार, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो बहुत ही ईजी टॉपिक लगने वाला है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इंक्लाइन प्लेन पे उस पे एक फोर्स ऑटोमेटिकली लगने लगता है, कौन सा, एम जी साइन थीटा। क्वेश्चन तो बन गया ना कि फोर्स कहाँ पे लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। सो मुझे तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं क्या फोर्स कहाँ पे लग रहा है, सेंटर ऑफ मास में। सो हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या आता है, एफ अपॉन एम बी। सो एफ कितना, एम जी साइन थीटा, कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया, जी साइन थीटा बाई बी। और फ्रिक्शन का आंसर डायरेक्टली आ गया एफ, 1 - 1/b। और एफ की वैल्यू हमें पता है, एफ की वैल्यू क्या है, एम जी, एम जी साइन थीटा, साइन थीटा 1 - 1/b। तो ये जो है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच से हम निकाल सकते हैं। अगर हमें एक्सेलरेशन आ गया तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा। तो पहला स्टेप नंबर वन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्सेलरेशन एंड अल्फा को लेके। ये सबको क्लियर, एक्सेलरेशन और अल्फा का फॉर्मूला? ओके गुड। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार प्योर रोलिंग करके नीचे आएगा ना वो, तो पूछा जा सकता है कि नीचे उसकी स्पीड कितनी रहेगी और टाइम कितना लगेगा। मतलब अब हमें क्या लगा देना है, काइनेमेटिक्स। क्या पूछेगा कि नीचे आके उसका स्पीड कितना होगा और टाइम कितना लगेगा। तो यार एकदम क्लियर है क्या, तब के केस में आपको कौन सी वैल्यू देगा, लेंथ दे देगा कि वो इंक्लाइन प्लेन का लेंथ कितना है। और अगर लेंथ दे दिए तो हम तुरंत निकाल सकते हैं यार टाइम, टाइम टू रीच द बॉटम क्या होता है, √2h/g टाइप में होता है, मतलब √2l/a। और a की वैल्यू कितनी है, g sin theta by b, ऊपर चला गया। तो डायरेक्टली याद रखते हैं, कई बार क्वेश्चन में सिर्फ कंपेयर भी करा लेता है। तो हमें दिख रहा है कि एक्सेलरेशन क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b है एंड t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √a। सो जिससे आ जाता है t इज प्रोपोर्शनल टू √b, मतलब जिसका b ज्यादा उसको टाइम ज्यादा लगेगा, लेट आएगा वो। इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या होता है, बी का सीक्वेंस क्या है, बी का सीक्वेंस याद रखो यार, सब लोग बी का सीक्वेंस हायर टू लोअर याद रखेंगे। सबसे ज्यादा किसका होता है, रिंग, रिंग, देन हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, देन डिस्क, एंड देन सॉलिड स्फीयर। ये लर्न रखना है, क्यों, मैं लर्न करने क्यों बोल रहा हूँ,
क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस स्पेशली नीट वाले स्टूडेंट्स उनको ध्यान देना, बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ कंपैरिजन पे आ जाते हैं, तो कंपैरिजन पे आपको डायरेक्टली याद रखोगे तो तुरंत कंपेयर कर पाओगे कि किसका सबसे ज्यादा होगा या कम होगा। सो हमें पता है स्मॉलेस्ट होगा टाइम, कौन फास्ट पहुंचेगा, जिसका बी सबसे लीस्ट होगा, मतलब सॉलिड स्फीयर। अब स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड का फॉर्मूला होता है रूट टू जी एच वाला, सो मतलब रूट टू ए एल आ जाएगा और यहाँ पर रूट प्रोपोर्शनल टू ए होगा और ए इनवर्स प्रोपोर्शनल है किस पे, बी पे। तो इसका मतलब किसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसका बी सबसे कम होगा, कम होगा, ठीक। तो यहां से हमने निकाल लिया। अच्छा अगर एल नहीं दिया तो वी निकालना टफ हो जाएगा ना, अगर एल नहीं दिया तो वी कैसे निकालेंगे, तो कुछ और देगा, तब क्या देगा हमें ये वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट देगा, वर्टिकल हाइट देगा। तो आप समझ गए क्या लगाना पड़ेगा फिर, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। तो थोड़ा सा देख समझ के काम करेंगे, आज हम आगे एनर्जी कंजर्वेशन का डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर में, ये तो मैं प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। चले फ्रिक्शन की बात कर लेते, तो फ्रिक्शन हमें पता ही था, फॉर्मूला हमने लिख दिया। सो इससे पता चल रहा है कि टेन थीटा वन माइनस वन बाई बी की वैल्यू म्यू से कम होनी चाहिए तभी प्योर रोलिंग होगी। सो लेट से क्वेश्चन दिया है कि एक 45 डिग्री वाले प्लेन पे म्यू इतना है, बताओ प्योर रोल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हमने चेक कर लिया तुरंत कि टेन थीटा की वैल्यू रख दी और सारी बी की वैल्यूज के लिए चेक कर लिया कि वन माइनस वन बाई बी की वैल्यू क्या आ रही है, और वैल्यूज आ रही थी ऐसे। तो इससे क्लियर दिख रहा है कि म्यू की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है क्वेश्चन में, हमने कितनी ली है 0.3। सो ये 0.3 से ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, तो इसका मतलब सर कौन प्योर रोल करेगा, सॉलिड स्फीयर। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया हुआ था कि इंक्लाइन प्लेन पे किस तरीके से हमें टाइम स्पीड और फ्रिक्शन को जज करना है। यहां तक बताइए किसी को कोई डाउट इंक्लाइन प्लेन में, नो सर। ओके तो अब हम एनर्जीज के बारे में बात करेंगे। सो आज के पार्ट में हम एनर्जीज के बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। सो लिख लेते हैं यार, काइनेटिक एनर्जी ऑन इंक्लाइन प्लेन। ओके, काइनेटिक एनर्जी नॉट जस्ट द इंक्लाइन प्लेन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट एल्से, नॉट जस्ट इंक्लाइन प्लेन, ये सारे जगह पे वैलिड होगी, किसी भी टाइप की रोलिंग के लिए ये काम में आने ही वाला है, ठीक है। तो ये हमें ऑलरेडी पता है, लिख लेते हैं। अगर रोलिंग हो रही है, रोलिंग हो रही है मतलब कि ऑब्जेक्ट आगे एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रहा है, एट द सेम टाइम वो रोटेट भी हो रहा है ओमेगा से, और इसका मतलब इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कोई स्पीड फील नहीं होनी चाहिए। सो बिकॉज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कोई स्पीड नहीं फील होगी, दैट मींस वी की जो वैल्यू है वो आर ओमेगा के जितनी बैलेंस होगी प्योर रोलिंग में। तो ये प्योर रोलिंग का सिनेरियो है, तो लिख लेते हैं प्योर रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी। तो हमें एक पता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर, हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर, सही है। ओके, लीनियर वाली काइनेटिक एनर्जी तो पता ही है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एमवी स्क्वायर। सो इसका मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग, अगर हम बात करें रोलिंग मोशन, सो रोलिंग मोशन मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी, सो रोलिंग मोशन टोटल काइनेटिक एनर्जी, सो वो हो जाएगी दोनों का एडिशन, ठीक है। सो ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अभी समझना ये है कि मुझे ऑलरेडी पता है यहाँ पर कि रोलिंग हो रही है, मतलब वी इज इक्वल टू क्या है, आर ओमेगा है। तो थोड़ा सा कन्वर्जन कर लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, जो आय है उसे हम क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर लिख सकते हैं। के क्या है यहाँ पर, के रेडियस ऑफ डायरेक्शन, तो कुछ भी वैल्यू ये हो सकती है, हमें नहीं पता अभी के लिए।
ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर। ओके, तो अगर मैं यहाँ सेटअप पे देखूं तो देखो हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा पूरा, दिख रहा है सबको, हाफ एम वी स्क्वायर अगर मैंने कॉमन ले लिया तो आंसर बचेगा वन प्लस, सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा के स्क्वायर, और वी स्क्वायर कॉमन आ गया तो रिमेनिंग क्या बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर। ठीक है, तो याद करो, अगर आप थोड़ा सा याद करने का ट्राई करें कि मैंने जो लेटर बी एज्यूम किया था वो क्या था, वेयर मैंने बी एज्यूम किया था किसे, वन प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, तो यार कुछ भी हो आई को हम, अच्छा एक सेकेंड, एम के स्क्वायर लिखते ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, एम के स्क्वायर चलो नहीं लिखते हैं, आई ही लिखा रहने देते हैं। सो आई इंटू वी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं वी बाई आर का स्क्वायर। सो अगर मैं एम वी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा आई, और मैंने एम कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एम डिवाइड में आएगा, देखा सबको। सो ये क्या बन गया डायरेक्टली बी, इसका मतलब रोटेशनल की टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ दिस होल एडिशन मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ हाफ एमवी स्क्वायर इनटू बी। तो देख रहे हो यार ये बी कितना मतलब इम्पोर्टेंट टूल आपको समझ में आने वाला है रोटेशन में। पहले मैं बात करता था एक्सेलरेशन कितना होता है एफ बाई एम, लेकिन हमें पता है कि अगर सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लग रहा है और वो रोल करने वाला है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा एफ बाई एम बी। तो यहाँ पर भी देखना है हमें कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, मैं ऐसे कर सकता हूँ यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन क्यों एग्जाम में टाइम वेस्ट करना है, डायरेक्टली किससे कर लेंगे इस वाले से, समझ आया। अच्छा, तो सोचने वाली बात है कि जब आपको दी है क्या कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, नाउ इट इज इन प्योर रोलिंग, तो आप पहले ओमेगा निकालते हो वी बाई आर से, फिर दोनों टाइप की एनर्जी ऐड करोगे, इतनी मेहनत करनी नहीं है, वी दिया है मतलब ये वाला करना है। अब सोचो क्वेश्चन में अगर ओमेगा दिया होगा तब क्या करेंगे, वी में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, मतलब इधर ओमेगा से कर सकते हो या फिर मतलब ऐसा आई ओमेगा के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो इसका मतलब इस वी को किस में कन्वर्ट कर लो, ओमेगा में कन्वर्ट कर लो। सो वी इज इक्वल टू, मुझे पता है ना आर ओमेगा, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो बस रिप्लेस कर दो, क्वेश्चन आर ओमेगा वाला बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में अगर आय दिया हुआ है तो आय के अकॉर्डिंग कर देंगे, मतलब ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आपको ये याद रखना है। ठीक, अच्छा अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं क्या, कि रोलिंग ऑब्जेक्ट है अगर तो उसके पास एनर्जी का वेटेज कितना होगा, परसेंटेज कितना होगा, मतलब लेट से मैंने उसे रोल करा दिया, इस साइड से रोल करा के थ्रो किया, तो लेट से उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी 50, वो कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में तो उसके पास दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी है ना, कौन सी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और लीनियर काइनेटिक एनर्जी। तो ये पूछ लेते हैं कई बार कि किसे कितना कितना वेटेज मिलने वाला है, समझ आया क्वेश्चन। तो हमने कह दिया कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 30 है और लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 20 है, समझ आया सबको। तो ये परसेंटेज पूछा जाता है, तो हम निकाल लेते हैं परसेंटेज ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी। तो देख लेते हैं क्या निकालने वाले हम, परसेंटेज ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी में लीनियर काइनेटिक एनर्जी का परसेंट कितना है, तो यार परसेंट कैसे निकालते हैं, कोई बताएगा परसेंट कैसे निकालेंगे लीनियर काइनेटिक एनर्जी, मतलब 50 में 30 सोचो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है तो कितनी परसेंट है, 30 अपॉन 15 into 100, वेरी गुड। सो लीनियर का अगर हमें पूछना है तो इट विल बी 30/15 to 100, सो आंसर कितना आ जाएगा 60%। सो इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी जितनी होगी डिवाइडेड बाई
टोटल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100. सो इसका मतलब लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, और टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर इनटू बी इनटू 100. तो आप लोग समझ गए क्या आंसर आने वाला है, 1/b इनटू 100%. क्लियर? सो मुझे लगता है ये सबको तुरंत समझ में आ गया, एकदम जल्दी से याद कर लेंगे. तो डायरेक्ट आप बता भी सकते हैं, कई बार रेशियो भी पूछता है कि किसके पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, बताओ ऑल फोर ऑब्जेक्ट्स में से. बी जिसका सबसे कम, इसका मतलब जब आप रोल करोगे ना तो सॉलिड स्फीयर के पास लीनियर स्पीड सबसे ज्यादा होगी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी. ये घूम नहीं रहा होगा ज्यादा, आगे की तरफ इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी वो काफी फास्ट रहेगी, ज्यादा रहेगी. इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं किसका, परसेंटेज ऑफ लीनियर हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन टोटल काइनेटिक एनर्जी. देखिए तो परसेंट यार ये क्लियर है, परसेंट ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा. अब हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एम वी स्क्वायर बाय बी. ठीक, तो अगर आप इसे सॉल्व करने लगोगे तो थोड़ा सा आपको मतलब ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा. मैं आपको डायरेक्ट बोल देता हूं कि ये जो है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये क्या है. अगर मैंने बोला कि मेरे पास 100% एनर्जी है जिसका 70% लीनियर है, तो रोटेशनल कितनी होगी, 30%. तो इसका मतलब क्या रोटेशनल अलग से सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं. मुझे पता है कि ये सॉल्व करके आंसर क्या आना चाहिए, 1 - 1/b. किसी को कोई डाउट, समझ आया सबको. जब मुझे पता है कि लीनियर वाली 1/b होती है, सो ये वाली कितनी रहेगी, 1 - 1/b. डन. ओके, अभी क्या होता है, क्वेश्चन जो आपको एग्जाम होता है वो इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन भी पूछ लेता है. सो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं इन टर्म्स ऑफ ओके सो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन के टाइप पे अगर आपको देखना है तो कैसे निकाल सकते हैं. सो लीनियर काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चाहिए. सो इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन अगर मैं बात करूं तो ये होगा हाफ एम वी स्क्वायर. अब मैं बी को नहीं लिखूंगा तो मैं पूरा लिखने वाला हूं क्या, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. और इसका मतलब ये है कि रेडियस ऑफ गायरेशन अगर मुझे चाहिए तो मैं आई को क्या लिख सकता हूँ, एम एन टू के स्क्वायर. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, और के को क्या लिख दिया, सॉरी आई को क्या कर दिया हमने, एम के स्क्वायर. आई हो गया एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या हो गया, वी बाई आर का स्क्वायर. तो हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाने वाला है, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट होगा, आंसर क्या बचेगा, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इन टर्म्स ऑफ के आंसर आपको कैसे दिखेगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो जाएगा दोनों का रेशियो. क्लियर है, समझ आया सबको. सो इनटू 100 करा देंगे तो परसेंट आ जाएगा. ये मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बहुत बार आपको ऑप्शंस में क्या दिखेगा, के दिखेगा, तो इसलिए मैंने यहां पर आपको करा दिया. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, बताए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1 - r² / k² थोड़ा सा अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे
तो ये स्क्वायर अपॉन पार्ट स्क्वायर प्लस ऊपर आएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, इस पैटर्न पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ सर कि बहुत सारे ऑप्शंस में कई बार डायरेक्टली ऐसे आर और के दे देते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, आप सॉल्व कर पाए, इसलिए यहाँ पर मैंने ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन परसेंटेज निकाल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि किसी को ये काइनेटिक एनर्जी का परसेंट निकालने में कोई डाउट नहीं होगा। समझ आया? तो एक बार प्रैक्टिस शीट व्यू करा देते हैं। ओके, सो प्रैक्टिस शीट में सेक्शन हम 7.6 अभी नहीं करना है। 7.6 में क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम अभी हमने नहीं डिस्कस किया हुआ है, सो वो नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंप्लीट करेंगे। बट टिल देन कौन सा पार्ट आपको स्टार्ट कर देना है, 7.7 देखें। रोलिंग मोशन और इंक्लाइन प्लेन, ये दोनों क्वेश्चन आपको स्टार्ट कर देना है, इस पे बेस्ड हम डिस्कशन अभी करेंगे। ठीक है, तो चले बात कर लेते हैं एनर्जी की, कि किस तरीके से एनर्जी वाले क्वेश्चन हमें अप्रोच करने हैं यहाँ पर। तो हमने अभी काइनेटिक एनर्जी और ये दोनों टोटल एनर्जी हमने यहाँ पर देख लिया हुआ है। अब हम देखें कि एनर्जी कंजर्वेशन पे कैसे हम काम करेंगे। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन पे अगर हम सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं कि सपोज ये इंक्लाइंड प्लेन है, और इस बार हमने एल नहीं दिया, हमने क्या दे दिया आपको, ये हाइट दी है, ये हाइट गिवन है, एच हाइट है। एच हाइट से एक ऑब्जेक्ट रोल करने वाला है। ओके, सो फाइंड इट्स स्पीड एट व्हेन इट रीचेस टू द बॉटम। क्वेश्चन समझ आया? थीटा एंगल का एक इंक्लाइंड प्लेन है, सो हमें क्या सॉल्व करना है, इट्स स्पीड व्हेन इट रीचेस टू द बॉटम। क्लियर सबको? When it reaches to bottom, तो इसका मतलब क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अभी पॉइंट ये है कि आई एम सेइंग दैट ऑब्जेक्ट इज रोलिंग। ओके, सो ये थोड़ा सा याद रखना है, यहां पर ये दिया हुआ है दैट ऑब्जेक्ट इज इन प्योर रोलिंग। ऑब्जेक्ट इज इन प्योर रोलिंग, तो यार एक प्रॉब्लम है ना कि ये सरफेस पे एक और चीज आपको दी होती है, क्या, फ्रिक्शन। तो इसका मतलब क्या मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं क्या, होता है तो क्या एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्या पूरा पोटेंशियल कन्वर्ट होगा क्या काइनेटिक में? नो सर, नहीं, नहीं होगा। सो रियल में क्या होना चाहिए था कि दो लोग लॉस करा रहे हैं, क्या पोटेंशियल लॉस हो रहा है, उसका एक पार्ट किसमें चला जा रहा है, फ्रिक्शन में, तो बाकी बचा पार्ट किसमें जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। तो मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए क्या, दो काम करेगी पोटेंशियल एनर्जी, क्या, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और बाकी बचा क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए क्या, नहीं, बताएं सबको ये पॉइंट समझ आया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, फ्रिक्शन को वर्क करेगा और फ्रिक्शन के वर्क को कंपनसेट करेगा, और रिमेनिंग पार्ट किसे दे देगा, काइनेटिक एनर्जी को। ठीक, लेकिन आप एक चीज समझें क्या, कि ये प्योर रोल करने वाला है ना, और कोई मुझे बताएगा प्योर रोल में क्या अच्छी बात होती है, कि इज देयर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज एक्टिंग जीरो, फ्रिक्शन जीरो होता है।
Friction is acting to maintain this pure rolling. Friction is acting. Friction is not zero. समझ आया? In pure rolling, friction is acting. But क्या चीज और extra पता रहती है हमें? वर्क डन कैसे निकालेंगे? इन प्योर रोलिंग वर्क डन बाई फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? फ्रिक्शन तो लग ही रहा है. इनटू डिस्टेंस कौन सी लेंगे? एच. एच लेंगे. अरे भाई फ्रिक्शन तो में लग रहा है ना, एच क्यों लोगे? अलोंग द फ्रिक्शन ही डिस्प्लेसमेंट लेंगे ना, मतलब इंक्लाइन वाला पार्ट. क्या लेंगे? इंक्लाइन वाली लेंथ L. और अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल पे बनाऊं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? H by L. L की वैल्यू क्या हो जाएगी? H by साइन थीटा. यार समझ आया सबको? वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकाल सकते हैं? अब बताओ किसी और को कुछ याद आ रहा है क्या रिलेटेड टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग? A is equal to R alpha. अरे यार work done by friction, work done in pure rolling. समझाया था यार stepping में या pure rolling में जब ये wheel ऐसे rotate होता है तो जो point contact में आता है जिसपे friction लगता है क्या वो कोई sliding displacement travel करता है क्या? No sir. नहीं, वो तुरंत ऊपर चला जाता है. फिर नेक्स्ट पार्टिकल आता है वो तुरंत ऊपर चला जाता है. क्या कोई भी डिस्प्लेसमेंट कॉज होता है क्या पार्टिकल का? वर्क डन जीरो. नहीं, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आता है? जीरो. तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन लगता है या नहीं. अरे प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन लग रहा है. यस लग रहा है. लेकिन क्या काम की बात देखने को मिलती है? क्या आता है? जीरो आता है. तो ये हमें याद रखना है. तो इसका मतलब ये है कि काम बन गया, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. देन हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्या? चेंज इन पोटेंशियल विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. समझ आया? तो अभी काम बन जाएगा, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. तो मेन चीज ये आपको समझाना. मैं चाहता तो डायरेक्टली ऐसे लिख दिया था ना मैंने, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि फ्रिक्शन लग रहा है बट उसका वर्क डन होगा नहीं क्योंकि प्योर रोलिंग है. सो आंसर क्या आ गया? डायरेक्टली कर सकते हैं. क्या MgH वाली एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर में प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर में. क्या मुझे ऐसा पूरा लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, मैं इसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ. कैसे? हाफ mv स्क्वायर इंटू b. समझ आया? मैं बार बार यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ वेयर बी का मीनिंग क्या है. बी इज वन प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर. ओके, तो ये अपना बी हो गया. इसका मतलब एम कैंसिल और किसकी वैल्यू आ गई? हमारी वी की वैल्यू आ गई. वी की वैल्यू याद है क्या है करती है? रूट टू जी एच आती है ना वी की वैल्यू. रूट टू जी एच यहाँ पे देख ले, सिंपल समझ में आ रहा है. कैंसिल आने में रूट टू जी एच बाई बी. कोई डाउट किसी को वी में? तो इसका मतलब ओमेगा कितना हो जाएगा? वी बाई आर. आर ठीक है. सो इसका मतलब मैं सेपरेट ऐसे कर देता हूँ, आर को अंदर लेके नहीं जा रहा हूँ. वन बाई आर रूट 2GH by B. Done? समझ आया V और ओमेगा सबको? किसी को बताओ कोई प्रॉब्लम? एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना सबको समझ आया क्या करना है? एनर्जी कंजर्वेशन समझ आया सबको? यस सर. ओके गुड गुड. चले तो एक एग्जांपल देख लेते हैं. देखें इंक्लाइन प्लेन का तो मैंने डायरेक्टली कर दिया, एक डिफरेंट टाइप का एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा.
लेट्स से ये एक सरफेस है, ओके ये सर्कुलर आर्क है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सपोज ये क्या है, एक डिस्क है, डन। और हमें पता है कि ये एक सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस मान लेते हैं कुछ है एच इज इक्वल टू, या अभी अभी के लिए मान लेते हैं ये रेडियस है 4r, ठीक। और ये डिस्क है वो m मास की है कॉमा r रेडियस की है, ठीक। और ये जो हाइट है h डैश, ये मान लेते हैं 2r है, ये ग्राउंड है। तो अभी देखिएगा क्वेश्चन में मैं दो तीन चीजें यहां पर एडअप करने वाला हूं, क्लियर। सो क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम विच वेयर द ऑब्जेक्ट विल और द डिस्क विल लैंड, ओके, एंड द स्पीड, किस स्पीड से वो वहां पे पहुंचने वाला है, डन। क्वेश्चन समझ आया कि क्या होने वाला है एग्जैक्टली। क्वेश्चन देखें, ये जो मैंने फिगर बनाया, थोड़ी देर बाद बॉल कहां पर होगा, यहां पर होगा, तो उसके पास यहां तक क्या आ चुका होगा, एक स्पीड। अच्छा अच्छा सोचो, अगर ये सरफेस स्मूथ है तो क्या रोलिंग होगी क्या? नहीं भाई, रोलिंग कैसे हो जाएगी अगर स्मूथ है तो? उसे घुमाएगा कौन, एमजी का कंपोनेंट घुमाएगा क्या यार, बताए। सो नो, सो इफ मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, देखें बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। इफ सरफेस इज स्मूथ, सो सरफेस इज स्मूथ मतलब फ्रिक्शन जीरो, सो रोलिंग होगी क्या, देन नो रोलिंग, ओके नो रोलिंग। सो इसका मतलब जो एनर्जी कन्वर्ट होने वाली है वो सिर्फ किस टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, बताएं? हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ, वो सिर्फ कन्वर्ट हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर में, क्योंकि रोलिंग हो ही नहीं रही है। सो रोलिंग नहीं है तो रोलिंग का कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत भी नहीं है। चले, तो जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच जाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा बताएं? अभी यहां पर है और अब यहां पर पहुंचेगा ना, इसके पास एक स्पीड आ जाने वाली है वी, तो देखिए कि कितनी डिस्टेंस कवर कर ली। तो यार ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अभी सेंटर ऑफ मास यहां पर है, पहले यहां पर कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 3r, क्लियर। सो h विल बी 4r माइनस r, समझ आया सबको? एच इज 4r माइनस r, इट विल बी 3r। सो अभी काम बन जाएगा क्या, एनर्जी कंजर्वेशन, चेंज इन पोटेंशियल विल गिव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब mgh विल गिव हाफ एम वी स्क्वायर। देखो मैं बी नहीं लगा रहा हूं यहां पर, क्यों नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि क्यों नहीं लगा रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं किस लिए सॉल्व कर रहा हूं, दोनों के लिए सॉल्व कर रहा हूं, विद फ्रिक्शन और विदाउट फ्रिक्शन, मतलब जब फ्रिक्शन नहीं था। तो ये क्वेश्चन किसका बन गया, वर्क एनर्जी पावर जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट रोल नहीं कर रहा है हाफ एम वी स्क्वायर में। तो आई गेस आंसर डायरेक्टली आपको पता चल गया, वी कितना आ जाएगा, रूट टू जी एच, और एज पर द क्वेश्चन हम एच यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना हो जाएगा, रूट टू जी इन टू एच कितना है, रिया। तो ये वी हो गया, वी हमें इसमें टेंशन नहीं है। अब अगर मैं बात करूं, इफ सरफेस इज सफिशिएंट रफ, इज सफिशिएंट मीन्स फ्रिक्शन जीरो,
नहीं है. सो क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल बी इन प्योर रोलिंग. सो क्वेश्चन में दे रहा है ऑब्जेक्ट इज इन प्योर रोलिंग, देन नो रोलिंग. नो रोलिंग को हम क्या वर्ड यूज करते हैं टर्म, स्लाइडिंग मीन्स स्लाइडिंग. अगर क्वेश्चन दिया है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्लाइडिंग में, तो समझ जाना है कि क्या यूज करना है, सिर्फ एम वी स्क्वायर. और अगर रोलिंग में है तो आपको ऑलरेडी पता चल गया, चेंज इन पोटेंशियल विल गिव चेंज इन काइनेटिक, मतलब एम जी एच विल बी हाफ एम वी स्क्वायर इन टू बी. ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब वी का आंसर क्या आएगा, रूट टू जी एच बाय बी. और यहां पर हम साइड में लिख सकते हैं फॉर डिस्क b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू हमें पता है इट इज 1 प्लस i बाय एम आर स्क्वायर. ओके जस्ट अ मिनट एवरीवन. Okay, yeah. So B we can calculate it I by MR square. अब disk के लिए I कितना होता है axis के about? Rotate तो अपनी axis के about ही करने वाला है. So disk का क्या होता है? Half MR square by 2. So इसका मतलब value अगर solve करेंगे 1 by 2. So ये value क्या आ जाएगी? 3 by. ठीक है, तो वो रख देंगे. मैं भी वैल्यू पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जब आप लोग सॉल्व कर लेंगे. एच की वैल्यू कितनी है, 3R, और बी की वैल्यू 3/2. प्रॉपर रख के सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा. अभी यहां तक आइडिया समझ में आ गया सबको? ओके, बट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये कितनी दूर गिरने वाला है. तो इसका मतलब अभी क्वेश्चन आगे भी सॉल्व करना है. क्या करना है, कि ये ऑब्जेक्ट जब गिरने वाला है तो इसके पास क्या आ गई होगी, एक स्पीड v. Yes. आ गई होगी. तो इसका मतलब क्या होने वाला है, ये ऑब्जेक्ट अब कैसी मोशन करने वाला है, प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल, समझ आया? तो मुझे लगता है आपको कुछ आइडिया क्लियर होगा. प्रोजेक्टाइल में कैसे निकालते हैं रेंज, कैसे निकालते हैं, अरे अरे क्या कर रहे हो भाई, ऐसे निकालते हैं क्या, ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लगा दोगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. अरे भाई क्या चल रहा है, ये प्रोजेक्टाइल कहाँ से है, एक हाइट से है भाई, एच डैश. क्लियर, सो ये एच डैश कितना है, ये एच डैश आपको दिया है, एच डैश इज 2R, और एक और ये एक्स्ट्रा हाइट होगी ना, ये डन. बट आप समझे कि ये हाइट उतना यूज नहीं होने वाली, क्यों, क्योंकि जब ये लैंड करेगा तब भी इसकी हाइट कहां पर रहेगी, यहां पर रहने वाली है ना. तो इसका मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे हाइट, तो अभी भी कितनी ही ट्रेवल करने वाला है वो, सिर्फ एच डैश. समझ आया क्या, आंसर में 2R प्लस R मत कर देना. करेंगे क्या 2R प्लस R? नो. ठीक है, जब वो लैंड करने वाला है तब भी उसके पास वो अपनी R तो रहेगी ना. सो इसका मतलब जो चेंज इन सेंटर ऑफ मास है वो अभी भी H डैश ही है, तो हमें उस पे सोचने की जरूरत नहीं है. अब याद दिलाओ यार, प्रोजेक्टाइल में कैसे निकालते हैं R? V into T. Yes, V into T से. So, मैं यहाँ पे लिखूंगा देन हॉरिजॉन्टल रेंज.
Okay, so horizontal range will be r will be v because that is the horizontal speed into time. अब बताओ टाइम कैसे निकाल लेंगे? Root 2h by g. Root 2h by g. So मतलब 2 यहाँ पर h मतलब h dash है और g यहाँ पर रहेगा. बताओ यहाँ पर b आएगा क्या? No sir. नहीं आएगा. क्यों? क्या ऑब्जेक्ट अभी रोटेट नहीं हो रहा है क्या? रोटेट हो रहा है लेकिन ओमेगा चेंज नहीं होगा. प्योर रोलिंग नहीं है अभी ये. अब ये प्योर रोलिंग नहीं कर रहा होगा. क्यों? क्योंकि अब यहां पर इसके पास एक क्या आ गई है, इस डायरेक्शन में भी आ जाएगी. क्लियर? और ओमेगा पहले वाला ही है, मतलब वी इंक्रीज हो गई बट ओमेगा इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि ओमेगा किससे इंक्रीज होगा? फ्रिक्शन वगैरह से इंक्रीज होगा ना. और फ्रिक्शन है क्या यहाँ पर, ऐसा एयर में कुछ रहेगा क्या उसको? नो सर. नहीं. तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि अब वो प्योर रोलिंग नहीं कर रहा होगा, अब वो सिंपल प्रोजेक्टाइल कर रहा होगा, इसलिए हमें डायरेक्टली इस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा. ठीक है, बी की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी. सो मुझे लगता है यार यहाँ तक सबको आइडिया अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें एनर्जी को ध्यान में रखना है, अगर फ्रिक्शन है फ्रिक्शन नहीं है तो ये सारी चीजें. ओके, चले इसी पे बेस्ड मैं एक और एग्जांपल आपको कंटिन्यू करता हूँ, सेम आइडिया पे बेस्ड, कैसे फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. सपोज ये हाइट है, ये ऐसा सरफेस है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, उसे हमने ड्रॉप किया किसी सर्टेन हाइट से. लेट से ये हाइट आपको गिवन है, ये हाइट आपको गिवन है, वो पर्टिकुलर हाइट उस ऑब्जेक्ट का. अभी हमें पता है कि ये सरफेस रफ है, ये सरफेस कैसा है, रफ है. बट ये वाला जो सरफेस है वापस हाइट वाला, ये वाला स्मूथ है. तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड हाउ हाई द बॉल विल राइज ऑन स्मूथ प्लेन. वाइल इट्स इन प्योर रोलिंग, वाइल इट्स इन प्योर रोलिंग ऑन रफ सरफेस. क्वेश्चन समझ आया सबको? इसका मतलब क्या होने वाला है यार, क्या स्टेप है? बहुत ही क्लियर स्टेप है. पहले इसकी पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट होगी? काइनेटिक में. और फिर काइनेटिक वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल में. बस ये याद रखना है कि ये वाली काइनेटिक कैसी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस लीनियर काइनेटिक एनर्जी, दोनों वाली रहेगी. क्यों? क्योंकि यहां पर क्या अवेलेबल था, फ्रिक्शन अवेलेबल था, इसलिए क्वेश्चन में दिया है कि प्योर रोलिंग वहां पर हो रही है. ठीक, तो ये चीज हमें समझना है कि ये यहां पर उसकी प्योर रोलिंग हो रही है. तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं क्या कि पोटेंशियल से पोटेंशियल इक्वल कर दूं तो आंसर एच ही आएगा, एच आएगा क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि जब यहां पर फ्रिक्शन है तो यहां पर प्योर रोलिंग होगी, और जब यहां पर फ्रिक्शन नहीं है तो रोलिंग होगी क्या? नहीं. इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी लिखने का तरीका बदल जाएगा, इसलिए हम क्या नहीं कर सकते, हम ऐसे पोटेंशियल को डायरेक्ट पोटेंशियल से मैच नहीं कर सकते. वर्क पावर एनर्जी में तो मैं बताता था ना कि इंटरमीडिएट स्टेट का कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ पर पड़ेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी. तो आप स्टेप समझ गए, ऑन रफ प्लेन क्या हो जाएगा, रफ प्लेन क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल विल गिव
काइनेटिक एनर्जी, मतलब mgh किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर b. वेरी गुड, सो हाफ mv स्क्वायर इनटू b में कन्वर्ट हो जाएगी. तो इसका मतलब हमें v निकाल लेना है. v कितना आ जाएगा? रूट टू जी एच बाई बी. ठीक है. नाउ अब ये स्पीड लेके वो क्या करने वाला है? स्मूथ प्लेन पर ऊपर जाने वाला है. सो ऑन स्मूथ प्लेन क्या हो जाएगा? क्या होगा स्मूथ प्लेन पे? काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल एनर्जी में. लेकिन ये याद रखना है क्या, कि कौन सी काइनेटिक एनर्जी लेके सिर्फ ऊपर जाने वाला है? वो लीनियर. क्लियर. सो इसका मतलब अब सिर्फ वो हाफ एम वी स्क्वायर वाली लेके जाएगा. कहां तक? एम जी इंटू जो भी एच मैक्स हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितनी ऊपर तक जाने वाला है. आइडिया समझ आ गया? सो रख देते हैं वैल्यू, रख देते हैं वी की. वी की वैल्यू जस्ट अभी हमने देखी, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? टू जी एच बाई बी. क्लियर. सो इसका मतलब एच मैक्स क्या आ जाएगा, कितनी हाइट तक जाएगा ऊपर? क्लियर है आई गेस. आंसर आएगा एच बाई बी. समझ आया? तो एच हाइट से ड्रॉप किया. अब बिकॉज बाद में रोलिंग नहीं हो रही थी तो वो ऊपर तक, टॉप तक जाएगा. किस हाइट तक जाएगा? एच मैक्स. अब एक बहुत ही अच्छी बात यहां पर देखते हैं. एट मैक्स हाइट, एट मैक्स हाइट उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी एच मैक्स पर? बताए. इट्स काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी क्या? स्टॉप हो जाएगा? नहीं. अब आप फील करो, जब mgh कन्वर्ट हुई थी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में, तो उसे कौन सी काइनेटिक एनर्जी मिली थी? लीनियर और रोटेशनल, दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी मिली थी. अब ये बताओ, जब वो वापस से ऊपर गया तो उसने कौन सी टाइप की काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दी? लीनियर वाली. सो इसका मतलब अभी भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी कौन सी है? लीनियर. लीनियर काइनेटिक एनर्जी थी और रोटेशनल थी, लेकिन यूज कौन सी होगी? सिर्फ लीनियर काइनेटिक एनर्जी यूज होगी कन्वर्ट होने में, क्योंकि रोटेशनल का लॉस हो ही नहीं पाएगा. तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्या? नहीं. कौन सी रहेगी इसके पास अभी भी? रोटेशनल. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रोटेशनल रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी. रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी रहेगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. इसका मतलब पता है फील कैसे आएगा? आप देखो, फील ऐसा आएगा कि ये जो सरफेस है, यहां से बॉल पहले रोल कर रहा होगा, मतलब जब नीचे आएगा तो आपको बॉल आगे भी जा रहा होगा, रोल कर रहा होगा ऐसे. लेकिन जब यहाँ टॉप पे जाएगा तो उस समय आगे नहीं जा रहा होगा, क्या कर रहा होगा? सिर्फ रोल कर रहा होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसकी एंगुलर वाली तो कम हो ही नहीं सकती ना, फ्रिक्शन है ही नहीं. फ्रिक्शन नहीं है तो लॉस कौन कराएगा ओमेगा का? टॉर्क लगा ही नहीं सकता कोई. सो रोटेट करता रहेगा वो ऑब्जेक्ट सिर्फ, और ऊपर हाइट तक जाएगा. तो आई गेस ये वाला आइडिया जो हमारा था यहाँ काइनेटिक एनर्जी का, वो सबको क्लियर हो गया होगा. एवरीवन ओके. तो चले एक बार प्रैक्टिस शीट में से देख लेते हैं हम कि किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे. कुछ क्वेश्चंस मैं रीड करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. चलो 228 देख लेते हैं. अ सॉलिड स्फीयर, रीड करें सब. अ सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट एच. इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन स्पीड व्हेन इट रीचेज एट द बॉटम. सो बेटा इंक्लाइंड प्लेन से बॉटम पे पहुंच रहा है, क्या स्पीड आती है? रोल कर रहा है, क्या स्पीड आएगी? root 2 gh by b. हाँ, अब बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? सॉलिड स्फीयर है. तो बताओ भाई सॉलिड स्फीयर का b क्या आएगा? 1.4. अरे पॉइंट में लिखोगे यार, ऑप्शंस देख के नहीं समझ पा रहा हूँ कैसे लिखोगे. 7/5. क्लियर. सो 5 ऊपर जाएगा, क्या जाएगा? 10/7.
समझा? तो यार इजी हुआ कि नहीं ये बताओ यार। अब जो भाई जिसको बी निकालना नहीं याद रखना है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते यार, बी आपको याद रखना पड़ेगा कि बी क्या हो जाएगा, वन प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, आई रख दो तुरंत बी निकाल के रख देंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। चले ये वर्ड जरूर रीड करना, ये वर्ड जरूर रीड करना रोल्स, अगर रोल नहीं कर रहा तो फिर सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा रूट टू जी एच, ये प्रीवियस वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन हो जाएगा। रीड करें, सॉलिड सिलेंडर रोल्स डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट दिस, व्हाट इज इट्स लीनियर, व्हाट इज इट्स लीनियर स्पीड एट फुट ऑफ द प्लेन इफ इट स्टार्ट्स रोलिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्लेन। ठीक है, सो इसका मतलब आपको हाइट दी है, क्लियर, और वो स्लिप नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है प्रॉपर रोल कर रहा है, तो वी कितना आ जाएगा, तो वी कितना आ जाएगा जस्ट अभी हमने देखा क्या, रूट टू जी एच बाई बी। अब देखो सॉलिड सिलेंडर है यार, सॉलिड सिलेंडर किसके जैसा फील देगा आपको, डिस्क के जैसा, बताया था ना सॉलिड सिलेंडर मतलब ऐसे पैक होगा और रोल कर रहा होगा अपनी एक्सिस के अबाउट, मतलब डिस्क की फीलिंग देगा, डिस्क भी निकाल के रख देंगे सारी वैल्यूज रख देंगे आंसर आ जाएगा, समझा? ओके, अ बॉडी इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 40%, बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट है। सो हमें पता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 40 है, मतलब लीनियर कितनी है, 60, लीनियर काइनेटिक एनर्जी है 60%, याद है लीनियर क्या होती है 1/b, सो इसका मतलब 1/b कितना है 60%, 60% मतलब 0.6, तो b कितना आ गया 1/0.6, 10/6, हाँ, तो कितना आ गया 5/3, कुछ याद आ रहा है 5/3 किसका होगा, होलोस्फीयर, होलोस्फीयर, ठीक है। यहाँ पर देखो एक सिलेंडर दिया है यार, अगर आप कुछ नहीं बोला है तो कैसा सिलेंडर ले लेंगे, ऑप्शन से पता चल रहा है ना, क्या मिसिंग है ऑप्शन में, डिस्क, इसका मतलब ये कैसा सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। तो अब ये नहीं पूछने लगना सर इसमें दिया नहीं है क्या करेंगे, ठीक है, बुक्स में क्वेश्चन रहते हैं जिसमें सारा डेटा में भी नहीं दिया रहता है, तो आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। यार आइडिया समझ आ रहा है सबको कि नहीं, यस सर, ओके, अ सॉलिड स्फीयर मास दिस रेडियस दिस रोलिंग ऑन अ प्लेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे half mv square into b b, ठीक, ओके, स्फीयर रोलिंग ऑन अ प्लेन विदाउट स्लिपिंग द रेशियो ऑफ रोटेशनल टू टोटल, रोटेशनल टू टोटल क्या आंसर आएगा, 1 - 1 - भाई रोटेशनल अपॉन टोटल एनर्जी को ही तो परसेंटेज ऑफ रोटेशनल बोलते हैं ना, तो आंसर क्या आएगा 1 - 1 - यार कुछ समझ आ रहा है क्या बता रहा है, ओके चलो कोई रैंडम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, पूछ रहा है कि वेलोसिटीज बताओ ये सारे पॉइंट्स की, अगर ये क्या कर रहा है रोलिंग कर रहा है, तो याद है ना रोलिंग में क्या बताया था, क्या कि सी अगर इसका सेंटर है तो ये वी स्पीड होगी और रोल कर रहा होगा, तो ये जो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ये किसकी स्पीड होती है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा सर्कमफेरेंस वाले पॉइंट्स की, तो अगर मैं किसी बीच वाले पॉइंट का पूछूंगा तो क्या करेंगे फिर ये भी, ये आर, आर वहां तक का लेंगे, आर वहां तक का डिस्टेंस लेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि इस वाले वी के पास ये वाला आर यूज करेंगे और इस वाले के पास ये आर यूज करेंगे, ठीक है। अब देखना है कि ये पॉइंट अगर सेम डिस्टेंस पे है तो इनको आर ओमेगा वाली स्पीड सेम मिलेगी, ठीक है। तो देखें अगर ये वी से आगे जा रहा है तो ये पार्टिकल भी कहां से आगे जाएगा, वी से, और ये भी वी से। अब एक आर ओमेगा वाली स्पीड हमें चाहिए, तो आर ओमेगा वाली हमेशा स्पीड कैसी होती है, टेंजेंशियल, ओके। सो अगर ये रेडियस है तो ये टेंजेंशियल होगी क्या, आर ओमेगा, देन इसके लिए किस तरफ होगी आर ओमेगा, इस तरफ,
समझा? पीछे की तरफ। हाँ तो अब बताओ नेट स्पीड किसकी ज्यादा होगी, इन दोनों का वेक्टर देखो और इन दोनों का वेक्टर देखो, किसकी ज्यादा होनी चाहिए? ऊपर वाले, ऊपर वाले पॉइंट की, क्योंकि उसके दोनों वेक्टर सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर दोनों वेक्टर लॉस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये मैंने काफी अच्छे से सिखाया है, सारे पॉइंट्स की स्पीड कैसे निकालते हैं, 90 वाले की, यहाँ वालों की और यहाँ पर। याद है सारा फिगर? चले ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये रोलिंग ऑन अ प्लेन वाला सेक्शन आप लोग को हो जाएगा, उतना कुछ इश्यूज नहीं है। डन यार, यहां तक बताया, रोलिंग ऑन अ प्लेन में किसी को कोई डाउट? यार यहां तक ओके है? यस सर। ओके अच्छा, इस बार बताओ किसी भी क्वेश्चन में क्या मैं चेक कर रहा हूं क्या कि फ्रिक्शन इज लेस देन म्यू एमजी और नॉट, चेक कर रहा हूं क्या? नहीं। सो मैं कंसिडर करके चल रहा हूं कि फ्रिक्शन इज इनफ, मैं क्या मान के चल रहा हूं, फ्रिक्शन इज इनफ। अगर फ्रिक्शन इनफ नहीं है, प्योर रोलिंग ही नहीं हो पा रही है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तब फिर स्टोरी पूरी बदल जाएगी। समझ आया सबको? सो मैं यहां पर लिखूंगा इफ फ्रिक्शन, सो ये एक स्पेशल केस बन जाएगा, सब लोग अच्छे से देखेंगे इस पे क्वेश्चंस, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इफ फ्रिक्शन इज नॉट सफिशियंट फॉर प्योर रोलिंग, ओके, सो इफ फ्रिक्शन इज नॉट सफिशियंट फॉर प्योर रोलिंग, तब क्या प्रॉब्लम आएगी? इसका मतलब फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, मतलब वो जो हमारा फ्रिक्शन आता है, कौन सा फ्रिक्शन, जो एक्चुअल फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है इस पे, वैल्यू बताएं क्या होती है फ्रिक्शन फोर्स की यहाँ पर इंक्लाइन में? म्यू एमजी कॉस थीटा। अरे ये नहीं होती भाई, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला, फ्रिक्शन इज एफ जब सेंटर पे लग रहा होगा तब ये होता है, जब टॉप पे लगता है तब ये होता है, ठीक है? तो ये लग रहा है, that means it has to be less than F max, but sufficient नहीं है, मतलब क्या है, it is not less than, समझ आया? इसका मतलब ये क्या है, greater than है। अगर ये ग्रेटर देन है तो क्या फ्रिक्शन इतना लगेगा क्या? नहीं। देन फ्रिक्शन कितना लगेगा? रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड नहीं, मैक्सिमम पॉसिबल। रिक्वायर्ड तो ये है, रिक्वायर्ड है लेट्स से 60 और मैक्सिमम लग सकता है कितना, 40, तो क्या 60 लगेगा क्या? नहीं। प्योर रोलिंग पॉसिबल ही नहीं है, सो देन फ्रिक्शन विल बी फ्रिक्शन सन मैक्स एंड There will not be pure rolling. इसका मतलब अगर pure rolling नहीं है तो हम क्या चीज use नहीं कर सकते हैं? सबसे पहले याद रख लेना, हम V is equal to R omega use नहीं कर सकते हैं, ये सबसे पहली important line याद रखनी है। अगर pure rolling नहीं हो रही है तो क्या V is equal to R omega use करेंगे क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। देन सो इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा होगा क्या? नहीं। तो अब हमें एकदम फिर से स्टार्टिंग से सॉल्व करना होगा। चले सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, लीनियर इक्वेशन, एफ आगे की तरफ जा रहा है माइनस फ्रिक्शन अपोज कर रहा है विल बी एम इन टू ए, बट हमें पता नहीं होता कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, इसलिए हम क्या नहीं सॉल्व कर पाते, ए नहीं सॉल्व कर पाते, हमें रोटेशनल की जरूरत होती है। लेकिन हमें पता है ना कि प्योर रोलिंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, फुल मैक्स लग रहा होगा ना, सो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, म्यू एम जी
cos theta is equal to m into a. मतलब ये हो गया कि acceleration solve करने की जरूरत ही नहीं है. आंसर क्या आने वाला है? g sin theta minus mu g cos theta. ये फिक्स आ गया. किसी को कोई डाउट बताओ, क्या ये डिपेंड कर रहा है क्या टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट में? इट डजंट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है? अगर प्योर रोलिंग होती तो जी का एक आंसर क्या आता है? प्योर रोलिंग में क्या आता है? जी साइन थीटा बाई बी. तो फर्क पड़ता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है. लेकिन अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है और मैं बोल रहा हूं कि प्योर रोलिंग हो ही नहीं रही है, तो क्या फर्क पड़ेगा क्या कि कौन सा ऑब्जेक्ट है? नहीं. सबका एक्सेलरेशन क्या मिलने वाला है? यही रहने वाला है. ओके, सो इट डजंट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. मीन्स means A is same for all, like ring, disc, hollow sphere, solid sphere, सबके लिए क्या रहने वाला है? Same. तो इसका मतलब अगर friction sufficient नहीं है और सबका acceleration same ही मिलने वाला है, तो किस time पे नीचे पहुंचेंगे सब लोग? सब लोग किस time पे नीचे पहुंचेंगे? Same time. सेम टाइम पे. सो ऑल द ऑब्जेक्ट्स विल रीच एट द सेम टाइम. ऑल ऑब्जेक्ट्स विल रीच एट द बॉटम एट द सेम टाइम. समझ आया फ्रिक्शन कम होने से क्या प्रॉब्लम हो गया? अभी ओके है सबको? तो इसका मतलब इसका अल्फा कैसे निकालेंगे? क्या a इज इक्वल टू आर अल्फा लगा देंगे क्या? नो सर, नहीं लगाएंगे. सो फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन हम a इज इक्वल टू आर अल्फा नहीं लगाने लग जाएंगे. अब यहां पे कहां से निकालेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन फिर? जैसे हमने ये लीनियर इक्वेशन से क्या निकाला है a, तो वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन किससे निकालेंगे? टॉर्क इक्वेशन से. तो बताएं टॉर्क इक्वेशन क्या, कौन टॉर्क लगाता है यहां पर रोलिंग ऑब्जेक्ट में? यहां पर फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन का टॉर्क इनटू रेडियस विल गिव इट्स I alpha. Done. So इसका मतलब अल्फा क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन तो फिक्स है, कितना है? म्यू एम जी कॉस थीटा. क्लियर? इनटू आर बाय आई. तो इसका मतलब ये है कि एंगुलर एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा किस पे? टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पे. क्यों? क्योंकि वहां पर क्या आ गया? आई. सो दिस डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. अपॉन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. और आय किसका सबसे कम है? आय किसका सबसे कम होता है? सॉलिड स्फीयर का. इसका मतलब सॉलिड स्फीयर के पास एंगुलर एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा आने वाला है. डन. तो ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि अगर ए इज इक्वल टू आर अल्फा नहीं लगाने लग जाना है, इससे काम नहीं बनेगा. ये थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पर कि a इज इक्वल टू आर अल्फा भी नहीं होगा और यहाँ पर v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी नहीं रहेगा. तो यार इसका मतलब अगर मुझे v और ओमेगा फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे फिर? बताएं v और ओमेगा अगर चाहिए तो. एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे. ठीक है. तो अब मुझे, हाँ अब मुझे पता है कि फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब वो रोल नहीं कर रहा होगा, वो स्लाइड कर रहा होगा ना थोड़ा बहुत.
यस सर। इसका मतलब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी? वर्क डन बाई फ्रिक्शन भी आएगा, तो क्या यहाँ पर ऐसे कर दोगे क्या कि mgh is equal to half mv square? No, sir. नहीं करना भाई, नहीं करना, क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आपको स्पीड वगैरह निकालनी है तो किससे निकालनी पड़ेगी? काइनेमेटिक्स से। समझ आया? अगर प्योर रोलिंग नहीं है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा, नहीं होगा तो आप एनर्जी कंजर्वेशन से नहीं निकाल सकते, किससे निकालना पड़ेगा? काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स से तो आपको निकालना आता है, तब आपको क्या देगा? एच नहीं देगा, क्या देगा? ये लेंथ दे देगा। अगर एच दिया भी तो थीटा यूज करके क्या निकालेंगे? एल निकालना है और फिर उसके अकॉर्डिंग वहां पर सॉल्व करना है। समझ आया? किसी को कोई डाउट इसमें? सर ये सब समझा, लेकिन वो फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, मतलब वो थोड़ा नहीं समझा। ओके ठीक है यार, देख लेते हैं। हमने देखा ना कि फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड है प्योर रोलिंग कराने के लिए। ये फॉर्मूला याद है प्योर रोलिंग के लिए? अगर मैं ए इज इक्वल टू आर अल्फा ले लूं और सबको मिला के सॉल्व करूं तब फ्रिक्शन का आंसर ये आता है, याद है? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन का आंसर अगर ये आता है, देख लेते हैं। देखे यहाँ पर मुझे पता है कि फ्रिक्शन का आंसर ये आने वाला है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू एम जी से कम होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन फील करते हैं। मैंने दे दिया कि एक ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है किस एंगल पे? 45 पे, और म्यू क्या दे दिया आपको? 0.3। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपना ये चेक करूं फ्रिक्शन फोर्स, एक सेकेंड, इससे प्रीवियस वाला एक क्वेश्चन देख लेता है, गेस वहां पर है ये क्वेश्चन, जैसे इसमें सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाया है, सॉल्व किया कि फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है? 40। तो देखो जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो सबके लिए अलग अलग है, तो जो लोग का फ्रिक्शन रिक्वायर्ड 40 से ज्यादा है वो प्योर रोल कर ही नहीं पाएंगे ना। समझा पॉइंट? अभी भी नहीं समझा। ओके देखें पॉइंट क्या है यहाँ पर, कि हमें पता है हम फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। दिस इज व्हाट अवेलेबल फ्रिक्शन पॉसिबल? हाँ सर। म्यू एम जी इंक्लाइन प्लेन होगा तो उसे कैसे निकालेंगे? म्यू एम जी कॉस थीटा से। अच्छा देखो सॉल्व करके लेट से इसकी वैल्यू आ गई क्या? 40। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने प्योर रोलिंग, हमें पता नहीं कि प्योर रोलिंग हो रही है नहीं, हमने सीधे मान लिया कि क्या हो रही है, प्योर रोलिंग हो रही है, और हमने प्योर रोलिंग का क्वेश्चन सॉल्व करके फ्रिक्शन निकाल दिया और फ्रिक्शन रिक्वायर्ड आया कितना? 60। तो अब बताओ क्या प्योर रोलिंग हो रही होगी क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उससे फ्रिक्शन का आंसर क्या आ रहा है? 60। और जबकि फ्रिक्शन 60 हो ही नहीं सकता है, कितना हो सकता है? 40। तो इसका मतलब आप जो सोच रहे थे कि हमें ए मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंग टॉर्क लगा के अल्फा मिल जाएगा, अल्फा उतना मिल ही नहीं पाएगा आपको। सो ए इज इक्वल टू आर अल्फा कभी मेंटेन रहने ही नहीं वाला है। अभी समझा? हाँ सर। हाँ, सो ये सिचुएशन हो जाती है कि फ्रिक्शन हमारा जो है अगर वैल्यू कम आ गई हमारी रिक्वायर्ड से, सो फिर वो प्योर रोलिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर प्योर रोलिंग नहीं हो रही तो फिर क्या हो रहा है, वो चीज हमने वहां पर डिस्कस की है। तो यहाँ पर जैसे मैंने देखा कि फ्रिक्शन आ रहा था 40, जबकि सबके लिए इसे रोल करने के लिए कितना चाहिए? 55। तो क्या ये रोल करेगा क्या? नो सर, नहीं करेगा। तो यही सिनेरियो हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है, क्या कि अगर ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है लेट्स से 40 और इसे सॉल्व करके आंसर आया 60, तो क्या रोल करना चाहिए क्या? नहीं, स्लाइड करेगा। हाँ, स्लाइड करेगा। तो अगर रोल नहीं कर रहा तो पूरा जो हम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन वो गलत हो गया ना। हाँ सर, सॉल्व करना ही नहीं, याद रखना है इसे। तो जब आप याद रखोगे तो डायरेक्टली काम बन जाएगा कि प्योर रोल हो ही नहीं रहा है, प्योर रोल नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट आंसर आ गया ना हमारा कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है फिर? 40। अब हम क्वेश्चन क्या करेंगे, रीसॉल्व करेंगे। जहां से हमने फ्रिक्शन निकाला था तब हमें फ्रिक्शन नहीं पता था और हम पूरा सॉल्व करते थे, अब हमें पता है कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, फुल कैपेसिटी पे लगेगा।
समझा? यस सर, अभी समझा। हाँ, तो ये सिचुएशन यहाँ पर हो गई। तो इसका मतलब अगर मुझे अब निकालना है कुछ भी स्पीड एट द बॉटम या कुछ ऐसा कुछ, तो अब हमें प्रॉपर इसी को फॉलो करना पड़ेगा, काइनेमेटिक्स वाले रूल को। क्लियर? सो इसका मतलब मुझे पता है कि ये प्योर रोल नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट प्योर रोल नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जब पहुंचेगा तो इसको कुछ वी मिल जाएगा और कोई रैंडम सा ओमेगा मिल जाएगा, हमें वैल्यू नहीं पता है। ये कंफर्म है कि वी विल नॉट बी इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये जो लेंथ ट्रेवल्ड है, ये अपन निकाल लिया करेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर इवन एच दिया है तब भी आप एच बाई साइन थीटा से ये लेंथ निकाल लेंगे, ये लेंथ इंपॉर्टेंट है। अब ये लेंथ यूज हो गई तो हम क्या यूज करेंगे? काइनेमेटिक्स। क्लियर? टाइम टू रीच एट बॉटम, कैसे निकालेंगे? t इज इक्वल टू रूट टू एल बाय ए, वेयर ए कितना है? समझ आया सबको? यार ये समझ आया? इसीलिए सब लोग कहां पर पहुंच रहे थे? सेम टाइम पर, लीनियर स्पीड। एट बॉटम, बॉटम पर जाकर लीनियर स्पीड कैसे मिलेगी? सो वी इज इक्वल टू क्या आएगा? रूट टू ए इंटू एल एल, वेयर ए इज सेम। समझ आया? एंगुलर स्पीड एट द बॉटम, बताए एंगुलर स्पीड। तो ये याद रखना है कि ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर से नहीं निकालना एंगुलर स्पीड। तो कोई बता सकता है एंगुलर स्पीड कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे? सेकंड। सेकंड से क्या थीटा पता है क्या तुम्हें? फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन थीटा नहीं पता भाई, कितने रोटेशन टर्न हो जाएगा ये पता है क्या तुम्हें? नहीं, फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इन टू टी। समझ आया? ओमेगा नॉट जीरो, सो ओमेगा विल बी अल्फा इन टू टी। टी समझ गए? ये और अल्फा हमने निकाला है ऊपर। समझा? क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, सो ये हो गया अपना म्यू एम जी कॉस थीटा। ये लिख के डर जाओगे अगर मैं ये वैल्यू ऐसे लिख दूंगा। सो ये वैल्यू लिखना नहीं, ऐसे याद मत करने लगना कि इतना बड़ा कुछ तो फॉर्मूला सर ने बता दिया। नहीं, ये सिर्फ मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना रहेगा। सो रूट टू एल बाई ए, ए की वैल्यू कितनी आती है? जी साइन थीटा माइनस म्यू इन टू जी कॉस थीटा। ये सब अलग अलग सॉल्व करके निकालना होता है, अल्फा अलग निकालो और टाइम अलग निकालो, काम बन जाएगा ओमेगा का। समझ आया सबको? यार यहां तक ओके सबको? अब एक स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं। अगर सरफेस पूरा स्मूथ हो जाए, इफ सरफेस इज स्मूथ, ठीक है, स्मूथ सच दैट, कितना स्मूथ है कि फ्रिक्शन कितना हो? जीरो हो जाए, मतलब प्योर स्मूथ हो। समझ आ रहा है? यस सर। तो फ्रिक्शन अगर जीरो हो गया तब बताओ क्वेश्चन क्या होगा? क्या एक भी टॉर्क लगेगा क्या? नो सर। ओके, तो टॉर्क बाई एम जी तो होता ही नहीं है। टॉर्क बाई एम जी साइन थीटा कुछ होगा क्या? जीरो। एंड टॉर्क बाई फ्रिक्शन भी क्या होगा? जीरो। सो नेट टॉर्क भी क्या है? जीरो। तो यार टॉर्क ही नहीं हो रहा, तो अल्फा क्या होगा?
जीरो अल्फा जीरो हो गया तो क्या कोई ओमेगा आएगा क्या? नो सर जीरो. तो इसका मतलब क्वेश्चन सीधा किसका बन गया? लीनियर मोशन का बन गया ना सिर्फ, कि वो किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है. ए यस एंड फ्रिक्शन इज जीरो. इसका मतलब एक नेट कितना हो जाएगा सिर्फ? जी साइन थीटा. जी साइन थीटा ओनली. एंड टाइम कितना आ जाएगा फिर? रूट टू एल बाई जी साइन थीटा. और अब कोई वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा क्या? नहीं. तो इसका मतलब डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर रही है? काइनेटिक एनर्जी में. तो इसका मतलब मैं इसे दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ स्पीड को. सो अगर मुझे स्पीड को इक्वेट करना है तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा यू किसमें कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी में. इसका मतलब एम जी एच डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? हाफ एम वी स्क्वायर में. ठीक. अगर नहीं ऐसे निकालना है तो वी ऐसे भी निकाल सकते हैं, रूट टू इंटू जी एच. जी मतलब एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे जी कितना है? साइन थीटा. इंटू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? एल साइन थीटा. सो बेसिकली ये भी लिख सकते हैं रूट टू जी एच वर्टिकल हाइट के फॉर्मेट में. ठीक है, यहां से तो ये समझ आया यार चीजें कि अगर फ्रिक्शन ही नहीं है तो बात ही खत्म है. रोटेशन की कोई बात ही नहीं आएगी. ये तो पूरा एकदम कौन सा क्वेश्चन बन गया, पहले जैसा सॉल्व करते थे वर्क एनर्जी में. यार यहां तक ओके है सबको? बताए क्या किसी को कोई डाउट फ्रिक्शन को लेके? नो सर. ओके, अगर चाहिए तो फ्रिक्शन पे मैं और थोड़ा सा आपको डिटेल बता सकता हूँ. मतलब ऐसा कुछ नहीं है. चले अच्छा, थोड़ा सा अभी टाइम है हम पे, हम एक एक्स्ट्रा ऐसा अभी ऐसा कुछ सो कॉल्ड टेस्ट में इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, बट नॉलेज के लिए और थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आइडिया लिख देते हैं. फ्रिक्शन को मैं समझा देता हूँ और कि फ्रिक्शन एग्जैक्टली है क्या चीज, कैसे काम करता है, मतलब कैसे रोलिंग में हमें फ्रिक्शन लगाना है. सो लेट्स से मैं समरी ऑफ फ्रिक्शन आपको समझाऊं. अगर काम क्या है फ्रिक्शन का, काम क्या है रोलिंग में, ये मैं समझाने का ट्राई करता हूं आप लोगों को. ठीक है, तो पहली बात आपको ये समझना है कि रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन का काम ये रोलिंग को बैलेंस करना. ठीक है, फ्रिक्शन का काम है रोलिंग को बैलेंस करना. तो मैं एक एक करके आपको समझा देता हूं. सपोज किसी रीजन के वजह से आपने एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया और आपने इसको स्पीड दे दी क्या, वी, और एक क्या दे दिया, ओमेगा. ठीक, आपने क्या दे दिया, वी और ओमेगा दे दिया. लेकिन इनिशियली अगर मैं ऐसा दे दूं, इनिशियली वी को ज्यादा कर दूं किससे, आर ओमेगा से, तो इसका मतलब क्या होगा, बॉटम को क्या फील आएगा, आगे लग रहा है क्या v और पीछे लग रहा है r ओमेगा. कौन ज्यादा v. v, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे. आगे लगेगा. वाह, v ज्यादा है, फ्रिक्शन को आगे लगा दोगे. v ज्यादा है मतलब फ्रिक्शन को लगेगा, ये पॉइंट कहां जा रहा है, आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, इसका मतलब पीछे, पीछे की तरफ लगेगा यार. ठीक है, तो अगर v ऐसे ज्यादा है तो फ्रिक्शन विल ट्राई क्या ट्राई करेगा, v को रिड्यूस करेगा. और इसका मतलब ये है कि v को कम करने के लिए फ्रिक्शन कैसा लगेगा, बैकवर्ड. और यार अगर फ्रिक्शन बैकवर्ड लगने लगा तो एक और चीज होने लग जाएगी, क्या क्या एक्स्ट्रा आने लग जाएगा इस ऑब्जेक्ट के पास, अल्फा, टॉर्क अल्फा. इसका मतलब इसका ओमेगा क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा. तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि लेट्स से वी है 100 और आर ओमेगा है 50, तो क्या ये 100 रिड्यूस होके 50 आ जाएगा क्या, नहीं, ये 100 कम हो रहा है बट एट द सेम टाइम ओमेगा भी बढ़ रहा है, तो ये कहीं 75 पे आके सेटल हो जाएंगे. समझ आया?
यार आइडिया समझ आया? यस सर। सो अगर ये आगे लग रहा है हेंस ओमेगा क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा एंड एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट आफ्टर सम टाइम क्या होगा, v डैश विल बैलेंस सम r ओमेगा डैश। हमें नहीं पता कि दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, पर जब भी होंगी ये प्योर रोलिंग आ जाएगा। अब देखना when this pure rolling is achieved तब friction की कोई requirement रहेगी क्या? pure rolling is achieved क्या होगा, is there any force? नहीं। f net क्या रहेगा? अगर zero कर दूं मैं तो क्या v को कोई बदल पाएगा क्या? नहीं। ओमेगा को कोई बदल पाएगा क्या? नहीं। तो देन फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? जीरो। सो एक बार प्योर रोलिंग मेंटेन हो गई और कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो फ्रिक्शन क्या हो जाने वाला है? जीरो। समझाया सबको? अब देखो रोलिंग में जब ये इंक्लाइन पे गिर रहा है तो फ्रिक्शन कभी जीरो नहीं होगा इवन इन प्योर रोलिंग। क्यों? क्योंकि एक फोर्स तो लग रहा है ना क्या, mg sin theta, ये v को continuously क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो क्या friction कभी भी rest ले पाएगा क्या? नहीं, friction को continuously v को कम करना पड़ेगा और omega को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही v is equal to r omega आ गया क्या friction zero हो जाएगा क्या? नहीं। क्यों? अगर friction zero हो गया तो mg sin theta फिर से क्या कर देगा, v को बढ़ा देगा, तो प्योर रोलिंग फिर से क्या हो जाने वाली है, कैंसिल। तो इसका मतलब वहां पे फ्रिक्शन को आके क्या करना पड़ेगा, तुरंत थोड़ा v को रिड्यूस ट्राई करना पड़ेगा और ओमेगा को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर वहां पे फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन को लगना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस करने के लिए, लेकिन अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो फिर नेट फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, जीरो। तेर बताए समझ आया फ्रिक्शन का फीलिंग? यार पॉइंट समझ आया सबको फ्रिक्शन का फीलिंग? यार ये बताएं इस क्वेश्चन में समझ आया फ्रिक्शन कहाँ लगेगा और क्यों लगेगा? यस सर। यस सर। ठीक है, और इंक्लाइन प्लेन में समझ आया कि फ्रिक्शन जीरो क्यों नहीं हो जाएगा, क्योंकि mg sin theta वहां पर बार बार उसे बढ़ाता रहेगा, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन को भी कंटिन्यूअसली एक्ट करते रहना पड़ेगा। समझा यहाँ पे? यस सर। अगर मैं फोर्स वाली कोई इक्वेशन ले लूं कि लेट से ये व्हील है और इस पे एक फोर्स लगा दिया, तो ये कंफर्म हो गया क्या कि प्योर रोलिंग के लिए ये पॉइंट आगे जा रहा होगा, सो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, इसका मतलब इसमें पीछे की तरफ, क्योंकि ये तो रोल करा ही नहीं पाएगा ना, सो रोल इसे कौन कराने वाला है, फ्रिक्शन। आफ्टर प्योर रोलिंग, आफ्टर प्योर रोलिंग v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाए तब क्या फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा क्या? नहीं। इफ फ्रिक्शन बिकम जीरो देन f क्या करेगा, F will increase V, समझ आया? And omega कैसा रहेगा? Constant. तो क्या pure rolling हो पाएगी क्या? अगर friction zero हो गया then no pure rolling. इसका मतलब क्या होगा? Friction has to act all along. अगर कोई एक force आ गया तो friction को act करते रहना पड़ेगा, देन सो मींस इट मींस फ्रिक्शन विल नॉट बी जीरो, इट विल एक्ट कंटिन्यूअसली टू मेंटेन प्योर रोलिंग। ओके, एक्ट टू मेंटेन प्योर रोलिंग। समझ आया सबको ये?
कि इस क्वेश्चन में फोर्स लग ही नहीं रहा था, तो प्योर रोलिंग के बाद फ्रिक्शन क्या हो गया था? जीरो। आप समझ रहे हैं कि अगर फोर्स लग ही नहीं रहा है तो प्योर रोलिंग के बाद फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। जरूरत ही नहीं है किसी को हैंडल करने की, दोनों लोग बराबर हो गए। लेकिन अगर फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स क्या कर देगा? वी को चेंज कर देगा, और कोई तो होना चाहिए जो ओमेगा को भी चेंज कर पाए, तो इसलिए वहां पर फ्रिक्शन को कंटिन्यूअसली एक्ट करते रहना पड़ेगा। ओके, यहां पर सर अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रोल करते रहेंगे और उसमें से फ्रिक्शन हटा दिए तो फिर रोल प्योर रोलिंग नहीं होगी, स्किड करेगा, स्लिप करेगा आगे की तरफ। मतलब सोचो स्मूथ है सरफेस, और एक आप बॉल ले लो, बॉल पे ऐसा थ्रेड, मतलब एक व्हील ले लो, व्हील पे ऐसा थ्रेड होल्ड करके खींचो, पुल करो इसे, तो देखोगे कि आप व्हील रोल नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहेगा? स्किड करेगा, थोड़ा बहुत रोल करेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेगा? वो स्किड करेगा, मूव करेगा, एज अ व्हील नहीं चलेगा कि प्रॉपर रोल करते हुए ऐसे ऐसे, प्रॉपर नहीं चलेगा, वो स्किड करते हुए चलेगा। समझा? यस सर। सर मतलब वो ड्रिफ्ट होता है, वो वैसा होगा क्या? हाँ वैसा ही ड्रिफ्ट वाला फील आएगा। ठीक है, सो ये सिनेरियो रहेगा। मतलब व्हीकल में थोड़ा सा सिनेरियो अलग रहेगा, चाहिए तो व्हीकल का भी देख लेते हैं। ठीक है, मतलब ये सारा एक्स्ट्रा पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पर्टिकुलर यही देखना है। फ्रिक्शन ऑन व्हीकल्स देख लेते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के लिए बता रहा हूं ये कि फ्रिक्शन ऑन व्हीकल्स कैसा रहेगा। देखें, सपोज कार या कोई सा भी सिनेरियो हो, अब ये मत बोलना कि नई वाली कार्स आ गई हैं सर, उसमें इंजन जो है आगे लगा होता है, वो नहीं। मैं सारे कंसिडर कर रहा हूं कि लेट्स से ये व्हील है उस कार का, और कार पे जो टॉर्क लग रहा है वो किस व्हील पे लगता है? पहले पीछे वाले व्हील पे। क्लियर है? यार एक सेकेंड, फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट वाइज देख लेते हैं। When it starts, और किससे कंपेयर कर लेते हैं? साइकिल से कंपेयर कर लेते हैं। सबसे बेस्ट और सिंपल एग्जांपल ऑफ अ व्हीकल इज साइकिल। ओके, ठीक है, ये फ्रेम तो नहीं रहेगा ये, हाँ ठीक है, कुछ ऐसा टाइप साइकिल है और यहां पर पेडलिंग है। चले, सो साइकिलिंग पे देख लेते हैं कि साइकिलिंग जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले पैडलिंग किया जाता है। पैडलिंग से क्या अप्लाई करते हैं? पैडलिंग से क्या वर्क होता है? रियर व्हील पे ही हमेशा स्टार्टिंग होती है। सो सबसे पहले पैडलिंग करके क्या करने वाले हम? पैडलिंग करके इस पे क्या लगाएंगे? एक टॉर्क। ध्यान दिया होगा ना आपने, यहाँ पे एक ऐसी चेन लगी होती है, वैसे पेडल के थ्रू जाती है। सो पेडलिंग करके हम बेसिकली क्या करते हैं? उस पे एक टॉर्क लगाते हैं। तो सबसे पहले, फर्स्ट थिंग, सबसे पहले क्या होगा? रियर व्हील पे क्या फील आएगा? ये कहाँ जाने का ट्राई करेगा? फर्स्ट थिंग पीछे। इसका मतलब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे की तरफ। सो ये हो गया फ्रिक्शन नंबर वन। सबसे पहले फ्रिक्शन कहाँ स्टार्ट होता है? रियर व्हील पे। और हम पॉइंट उसको पीछे रोटेट करने का ट्राई कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा? फ्रिक्शन आगे लगेगा। और फ्रिक्शन आगे लगा मतलब इस व्हीकल को क्या मिल जाएगा? आगे की तरफ एक एक्सेलरेशन मिलना स्टार्ट होगा, स्पीड अप होना आगे की तरफ। अब ये पूरा साइकिल कनेक्टेड है किससे? फ्रंट व्हील से। तो मतलब फ्रंट व्हील कहाँ जाने का ट्राई करेगा? फ्रंट व्हील इसका मतलब कहां जाने का ट्राई करेगा? आगे जाने का ट्राई करेगा। इसका मतलब ये पॉइंट क्या होना चाहिए? स्लिप हो जाना चाहिए आगे की तरफ। बट तुरंत वहां पर कौन आ जाएगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे की तरफ।
और ये F2 क्या कर देने वाला है, अब इसको रोटेट कर देने वाला है। समझ आया? तो अब मैं देखो यार ये पूरा लिख नहीं सकता हूं, बट आई गेस कलर कॉम्बिनेशन आपको पूरा चीज बता रहा है कि क्या सिनेरियो होने वाला है। नंबर वन, ब्लैक कलर जो मैंने यूज किया है वो क्या है, सबसे पहले टॉर्क लगा, टॉर्क के वजह से ये पॉइंट पीछे गया और उसके वजह से क्या आया वहां पर, फ्रिक्शन। समझ आया रियर व्हील में क्या हुआ यार? समझ आया सबको रियर व्हील में? यस सर। हाँ, तो पहले हमने क्या लगाया, हमने एक टॉर्क लगाया, टॉर्क के वजह से ये वाला पॉइंट पीछे की तरफ स्लिप कर रहा था, इसलिए फ्रिक्शन लगा आगे। फ्रिक्शन आगे लगने की वजह से फ्रंट व्हील को क्या प्रॉब्लम होगी, फ्रंट व्हील आगे की तरफ जाने का ट्राई करेगा, क्लियर? और वो अगर आगे की तरफ जाने का ट्राई करेगा मतलब उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या करेगा, वो भी आगे की तरफ जाने का ट्राई करेगा, देन तो अगर ये आगे की तरफ जाने का ट्राई करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे, पीछे की तरफ लगेगा। और फ्रिक्शन अगर पीछे की तरफ लगेगा तो ये फ्रिक्शन क्या कॉज कर देगा, एक रोटेशन। तो इसका मतलब आगे वाले व्हील को घुमाने का काम कौन करता है, फ्रिक्शन, और पीछे वाले व्हील को घुमाने का काम कौन करता है, हम लोग, पैडलिंग। तो यार समझ आया कि कैसे एक मोशन स्टार्ट होती है किसी भी व्हील की? यार ये समझ आया आइडिया? अच्छा चलो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, जस्ट अ मिनट। अगर मैं ब्रेक अप्लाई करूं क्या होगा, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन फ्रंट व्हील, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन, पहले रियर व्हील देख लेते हैं। रियर व्हील सोचो, अभी ये साइकिल चल रही थी और आपने क्या किया, रियर व्हील पे ब्रेक अप्लाई किया। तो बताओ ब्रेक अप्लाई करके आप क्या कम करते हो, लीनियर स्पीड कम करते हो या एंगुलर स्पीड? ब्रेक अप्लाई करके आप क्या कम करते हैं यार? बहुत कॉमन सेंस की बात है यार, ब्रेक से आप हॉरिजॉन्टल स्पीड कम करते हो या एंगुलर स्पीड कम करते हैं? एंगुलर स्पीड यार, बहुत कॉमन सी बात है, उसमें हॉरिजॉन्टल स्पीड कहां से कम कर दोगे आप? ब्रेक अप्लाई करके आप व्हील रोकते हो, क्या करते हो आप, व्हील रोकते हैं, ब्रेक्स क्या करते हैं, एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील को स्टॉप करते हैं, रिड्यूसेस एंगुलर स्पीड। इसका मतलब क्या होगा, स्टेप देखें, अभी सब कुछ प्योर रोलिंग हो रहा था, प्योर रोलिंग हो रहा था, अच्छे से ओमेगा काम कर रहा था, हमें वी भी मिल गया था इनफ और आर ओमेगा भी मिल गया था। अभी आपने ब्रेक अप्लाई करके क्या कर दिया, ओमेगा रिड्यूस कर दिया, किस पे, रियर व्हील पे। रियर व्हील पे क्या हुआ, ओमेगा रिड्यूस हो गया। यार ओमेगा रिड्यूस हो गया मतलब क्या प्रॉब्लम अब आ जाएगी, इसका मतलब वी क्या है, ज्यादा होगा आर ओमेगा से, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, बैकवर्ड। सो सिचुएशन देख रहे हो, स्टोरी पूरी बदल गई, क्या हुआ, स्टोरी पूरी चेंज हो गई। पहले फ्रिक्शन कैसे लग रहा था, फ्रंट व्हील, बैक व्हील पे, फॉरवर्ड, और ब्रेक अप्लाई करते ही कैसा लगने लगेगा, बैकवर्ड। सबको क्लियर है फ्रिक्शन नंबर वन क्या होगा? बैक। अच्छा एक चीज, इसमें जो फ्रिक्शन अपोजिट कर रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर फिर मोशन कैसे हो रही है, सो मोशन को होना ही पड़ेगा, फ्रिक्शन वन बहुत ज्यादा होता है टू से, फ्रिक्शन टू तो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है फ्रिक्शन टू, तभी तो फॉरवर्ड मोशन हो रही है। हाँ सो फ्रिक्शन वन बैकवर्ड लगेगा यहां तक, ओके ठीक। इसका मतलब फ्रिक्शन अगर बैकवर्ड लगने लगा तो फ्रिक्शन क्या काम करेगा अब, देन ये वी को क्या करना स्टार्ट करेगा, रिड्यूस करेगा। Reduce. अगर वी रिड्यूस हो गई तो फ्रंट व्हील को दिक्कत आ जाएगी ना, फ्रंट व्हील को क्या फील होने लगेगा कि उसका वी क्या हो गया है, फ्रंट व्हील को दिक्कत आएगी कि उसका वी कम हो गया है। तो इसलिए जब हम
ये वाला ब्रेक अप्लाई करेंगे तब भी v अभी इसके पास क्या है, कम हो गया, v हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, और ओमेगा तो था यार, इसका ओमेगा किसी ने डिस्टर्ब किया क्या, इसका ओमेगा किसी ने डिस्टर्ब किया क्या फ्रंट व्हील का, नहीं, तो इसका मतलब पीछे की स्पीड ज्यादा और आगे की कम हो गई, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड एक्ट करेगा, और अब ये फॉरवर्ड एक्ट करने वाला फ्रिक्शन क्या करेगा, ओमेगा को व्हील को कम करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन है कि फ्रिक्शन किस तरीके से एक्ट करेगा, अगर हमने कौन सा व्हील अप्लाई किया है, कौन सा ब्रेक अप्लाई किया है, ऑन रेयर व्हील, ये वाला फॉरवर्ड, तो इसमें क्या होगा, दोनों फ्रिक्शन एकदम अपोजिट लगने वाले हैं, तो जो स्टॉपिंग चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोनों फ्रिक्शन क्या हो जा रहे हैं, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने लग जाते हैं। एक और सिनेरियो देख लूं कि ब्रेक कौन सा अप्लाई करेंगे हम, अगर फ्रंट व्हील में, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन फ्रंट व्हील, मतलब आगे वाले ब्रेक अगर आप यूज करते हैं तो क्या सिनेरियो होगा, सो आई गेस स्ट्रेट है, इतना कुछ खास आइडिया नहीं है, आप समझ गए, ओके। सो अगर मैं फ्रंट व्हील पे ब्रेक अप्लाई करूंगा, मतलब मैं फ्रंट व्हील का क्या करने वाला हूं, ओमेगा रिड्यूस करने वाला हूं, सो अगर ओमेगा कम हो गया तो मतलब वी ज्यादा होगा, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, बैकवर्ड, तो इस बार फ्रिक्शन कहां स्टार्ट होगा, फ्रंट व्हील से, यार समझ आया, एवरीवन, इस बार स्टार्टिंग कहां से होगी, फ्रंट व्हील से, हमने क्या किया, फ्रंट व्हील का ओमेगा रिड्यूस किया, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, बैकवर्ड, और अगर बैकवर्ड लगेगा तो ये वी को क्या करने वाला है, रिड्यूस कर देने वाला है, तो ये वी को रिड्यूस कर देगा, अगर वी को रिड्यूस किया तो क्या होगा, वी को रिड्यूस किया तो क्या होने वाला है, इसका मतलब पूरी साइकिल का स्पीड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और अगर पूरी साइकिल का स्पीड रिड्यूस हो गया, मतलब रियर व्हील पे क्या फील होने वाला है, इसका वी रिड्यूस हो गया, मतलब ओमेगा ज्यादा है, ओमेगा ज्यादा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, फॉरवर्ड, सो एफ टू विल बी फॉरवर्ड, सो इस पे रियर व्हील पे, रियर व्हील पे फ्रिक्शन कैसा लगेगा, फॉरवर्ड। अच्छा अभी दोनों में फीलिंग देखना कि इसमें क्या सिचुएशन होने वाला है, कि इसमें पहले फ्रिक्शन किसमें लग रहा है, ओमेगा कम हुआ तो ओमेगा को बढ़ाने का ट्राई कर रहा है और उससे वी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, और यहां पे भी क्या हो रहा है, वी रिड्यूस हो रहा है, तो यही रीजन है कि ब्रेक अप्लाई करने का मेन पर्पस, सोल टारगेट क्या है, कि कुछ ऐसा करो जिससे क्या रिड्यूस हो जाए, पूरे ऑब्जेक्ट का वी रिड्यूस हो जाए, तो दोनों केसेस में वी रिड्यूस हो रहा है, फ्रिक्शन चेंज हो जा रहा है, तो ये मेरा पर्पस था इसको समझाना, कि आप थोड़ा सा आइडिया ले कि किस तरीके से फ्रिक्शन काम करता है और किस तरीके से डिफरेंट ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन को हम यूज करते हैं। क्या समरी फ्रिक्शन का जो आइडिया है वो सबको क्लियर है, ये यार यहां तक ओके है, किसी को कोई डाउट क्या, चलिए ठीक है, तो आप लोग 7.7 एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, रोलिंग एंड रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन, बाय सर, या बाय बाय एवरीवन, बाय सर, बाय बाय ऑल।